नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। गुजरात के मोरबी की घटना ने न सिर्फ देश बल्कि दुनिया को हिला करके रख दिया है। केबल ब्रिज की क्षमता 100 की, उस पर चढ़ गए 400 और दे धड़ाधड़ टिकट काटे जा रहे थे। आखिर कौन जिम्मेदार है? इसके लिए तो कमेटी बनेगी, रिपोर्ट आएगी। हर घटना के बाद ऐसा ही होता है, नतीजा ढाक के तीन पात। लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है वो बहुत ही हिला देने वाली है और सोचने को ये मजबूर कर देगी कि हम किस जहां में रह रहे हैं, जहां एक तरफ मौत काल बन करके, कहर बन करके टूट रही है, वहीं दूसरी तरफ उसी समय गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री अपना बर्थडे मना रहे हैं। यकीन नहीं होता तो सबसे पहले ये वीडियो देखिए। वीडियो में आपने देखा, बर्थडे केक काट रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जब ये केक कट रहा था उस समय घटना की जानकारी उन्हें नहीं थी। क्या ये संभव है? गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री हैं, नाम है ऋषिकेश पटेल। यदि ऐसा है तो भी सवाल उठता है कि कैसे स्वास्थ्य मंत्री को नहीं पता इतनी बड़ी घटना हो गई। और यदि ऐसा नहीं है तो और बड़ी बात, इतना असंवेदनशील कोई मिनिस्टर छोड़िए इंसान कैसे हो सकता है। अब सोशल मीडिया पे ये वकायदे वायरल हो रहा तेजी से। इसकी शुरुआत कुछ यूं हुई कि रणविजय सिंह नाम के एक जर्नलिस्ट ने इस वीडियो को शेयर किया और जो कमेंट लिखा वो बहुत सामान्य सा है, लेकिन उसमें तंज और मार बहुत है कि कल मोरबी की घटना हो गई थी इसलिए आपके बर्थडे की बधाई नहीं दे पाया। वीडियो से पता चल रहा है कि कितना अच्छा बर्थडे मना है। अब क्या था, सोशल मीडिया पे जो है इसको लेकर के छिड़ गई जंग। दरअसल सियासत को हमेशा कुछ खुराक चाहिए। आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनाव लड़ने पहुंची हुई है, उसे खुराक चाहिए, उसे खुराक मिल गया। दो दिन तक शांति थी, संडे की ये घटना है, दो दिन का एक ही दिन शांति रही। राजनेताओं को तो वोट चाहिए, चाहे वो जैसे मिले। अब वार पलटवार शुरू हो गया, लेकिन इसमें अफसोसजनक बात है ये है कि इंसान असंवेदनशील इतना कैसे हो सकता है। राजनेताओं को राजनीति करने दीजिए, 140 से ज्यादा मौतें और स्वास्थ्य मंत्री केक काट रहा है, वीडियो शेयर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौके पर पहुंचे हुए हैं, जायजा ले रहे हैं, वो भी वीडियो देखिए। अस्पताल गए हैं,
जो घायल लोग हैं उनसे मिले हैं और जो राज्य सरकार कर सकती है करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। चाहे वहाँ पे बीजेपी की सरकार है या किसी और पार्टी की सरकार होती, कोई अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता कि एक अनुभवहीन कंपनी को उसकी मरम्मत का ठेका दिया जाता है। वो जो है पैसा वसूलने के चक्कर में 100 की जगह 400 लोगों के लिए टिकट काटती है 17 रुपये और 12 रुपये का टिकट। क्या मकसद, क्या अंधाधुंध कमाई। और जिला प्रशासन, जो एजेंसियां हैं सरकारी, तमाशबीन। ये सिर्फ वहां का हाल नहीं है, ये पूरे देश का हाल है। जिस भी सूबे में हाथ डालेंगे देखेंगे ऐसी लापरवाही की खबरें तमाम सारी आती रहती हैं। अब इसमें 140 से ज़्यादा लोग मर गए हैं, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी हैं, और कहीं कम होती है कैजुअल्टी, लेकिन होती तो है। ये हमारी और आपकी, पूरे समाज के, पूरे सिस्टम के मुँह पर तमाचा है। हम कितने सजग हैं, खासतौर से सरकारी सिस्टम, उससे क्या पड़ी है, उससे क्या फर्क पड़ता है, कौन मरता है कौन जीता है। उनसे पूछिए जिनके कलेजे का टुकड़ा चला गया, जिनके मांग का सिंदूर उजड़ गया। जब आप किसी के पास है नहीं, लेकिन ये बात यदि ध्यान से सोचेंगे तो सालती रहेगी, चुभती रहेगी कि इंसान इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है। रहिए न बेखबर, देखते रहिए।